लोग अक्सर एक बात करते हैं कि दरबारों पे दुआएं क्यों कबूल होती हैं, और एक अलग बहस भी है इसके ऊपर। लोग शिर्क कुफर किस तरह की बहस भी करते हैं, और भी बहुत सी इसके बारे में ना अलग अलग गुफ्तगू चलती रहती है सोशल मीडिया पे, निजी महफलों पे, हर लिहाज से। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, और वो चीज़ अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की रूटीन में उसको अपना एक आदत बना लें, उसको एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप लोगों के मामला जो है ना वो बड़े बेहतर होंगे। सबसे बड़ी जो वजह ये है दरबारों पे दुआएं कबूल होने की, क्योंकि दरबार एक वाहिद ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसानों को बग़ैर मज़हब, बग़ैर रंग, नस्ल, मसलक की बुनियाद और इसकी तफरीक के बग़ैर, किसी भी किस्म की तफरीक के बग़ैर, कोई हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हर मज़हब के, हर कौम के, हर फ़िक्के के, हर नस्ल के, हर तबके के लोग मौजूद होते हैं। उनको वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाना अल्लाह का सबसे पसंदीदा तरीन अमल है, वो इससे बहुत खुश होता है, और इससे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े काम संवरते हैं और बड़ी दुआएँ मिलती हैं, अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है इससे। अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, और दरबारों पे ही नहीं, सिर्फ ना सिर्फ आप सड़कों पे, फुटपाथ पे, रक्षा चलाने वाले, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो निचले दबके के लोग हैं माली लिहाज से, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशली डाउनफॉल का शिकार रहते हैं, इन लोगों को अगर आप खाना खिलाते हैं या खाना बांटते हैं, आटा, राशन, चावल, इस तरह की चीज़ें तकसीम करते हैं, तो आपको बड़ी दुआएँ लगती हैं, आपके बड़े मामला ठीक होते हैं, आपके घर में बड़ी खुशहाली आती है, आपकी जितनी भी रोज़मर्रा की परेशानियाँ वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो कोशिश करें इस आदत को अपनाएं, हस्बे तौफीक जितना भी हो सकता है आप लोगों को खाना खिलाना, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, और लोगों की फलाह बहबूद में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो खाना खिलाना है। और सदका भी अगर आप कोई करना चाहते हैं तो आप बेहतर यह है कि आप किसी गरीब को, नादार को, भूखे को, मुफलिस को खाना खिलाएँ, या उसको ग्रॉसरी ले दें, घर का राशन ले दें, आटा, चावल, जो कुछ हस्बे तौफीक आप कर सकते हैं आप करें, अल्लाह की ज़ात आप पे बड़ी मेहरबान होगी और आप पे अपना बड़ा फजल और करम करेगी। अल्लाह हाफिज़।